नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतनसेन भारती। आज हम बात करेंगे पंचायत चुनाव के एक नए अपडेट के बारे में। बिहार में इस साल होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर गांव में सियासत तेज हो गई है। अब तो चौक चौराहों के साथ ही घरों में भी चुनाव को लेकर चर्चा होने लगी है। गाँव में जहाँ महिलाओं और पुरुषों का जुटान होता है, वहाँ पर पंचायत चुनाव को लेकर चर्चा होना आम है। ऐसे में अब आयोग भी चुनाव को लेकर तैयारी पूरी कर चुका है। ऐसे में अब सबकी निगाह पंचायत चुनाव के तारीखों पर टिकी हुई है। प्रदेश में पंचायत चुनाव और ग्राम कचहरियों के आम चुनाव की तैयारी अंतिम चरण में है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पटना के फुलवारी शरीफ के एक बूथ पर मतदान कर्मियों की तैनाती कर मतदान और मतगणना के साथ बायोमेट्रिक मशीन के वेबकास्टिंग का सफल परीक्षण किया गया। आपको बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में करीब 6,72,000 मतदान कर्मियों की तैनाती की कार्य योजना तैयार की है। हर बूथ पर 6,000 मतदान कर्मी तैनात किए जाएंगे। इसके साथ ही साथ हर मतदान कर्मी के अलावा हर बूथ पर सुरक्षा कर्मियों और मजिस्ट्रेट की अलग से तैनाती की जाएगी। आपको बता दें कि इस बार पंचायत चुनाव ईवीएम और बैलेट पेपर यानी कि बैलेट बॉक्स दोनों के माध्यम से होना है। आपको ये भी बता दें कि इस साल पंचायत चुनाव के 6 पदों में से 4 पदों का मतदान जो है ईवीएम के माध्यम से होगा, तो वहीं 2 पदों के लिए चुनाव जो है बैलेट पेपर के माध्यम से होना है। साथ ही जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, ग्राम पंचायत व मुखिया और वार्ड सदस्य का चुनाव जो है ईवीएम के माध्यम से कराया जाएगा, तो वहीं ग्राम कचहरी और सरपंच और पंच के पद का जो चुनाव है वो बैलेट बॉक्स के माध्यम से कराया जाएगा। उसको बताते हुए आयोग हर बूथ पर 6 पदाधिकारियों की भी तैनाती करने का आदेश जो है वो जारी कर दिया है। हर बूथ पर 1 पीठासीन पदाधिकारी, 1 मतदान पदाधिकारी जिसे हम P1 कहते हैं, 1 मतदान पदाधिकारी जिसको हम P2 कहते हैं और 1 तीसरा जो मतदान पदाधिकारी होगा जिसे हम P3 के नाम से जानेंगे, वो जो है इस चुनाव प्रक्रिया में शामिल होंगे। मतदान पदाधिकारियों की नियुक्ति करते समय जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा दल के प्रथम मतदान पदाधिकारी को मतदान केंद्र पर अपरिहार्य कारण से अनुपस्थित रहने पर पीठासीन पदाधिकारी के कर्तव्यों के वहन करने के लिए प्राधिकृत किया जा सकता है। आयोग के साथ ही पदाधिकारियों की जिम्मेवारी भी निर्धारित कर दी गई है। पीठासीन पदाधिकारियों के मतदान दल के अन्य सदस्यों से हमेशा संपर्क कायम रखेंगे। ईवीएम प्राप्ति से लेकर मतदान की समाप्ति तक सामूहिक जिम्मेवारी के साथ ईवीएम के अन्य दस्तावेज जमा करने का सिद्धांत व पालन किया जाएगा। सभी मतदान पदाधिकारियों और पीठासीन पदाधिकारियों के मतदान प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए इसके लिए भी उन्होंने जो है दिशा निर्देश निर्वाचन आयोग ने जारी कर दिया है। तो आपको बता दें कि बिहार में इस साल होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर सिर्फ तारीखों का जो है वो अब बाकी रह गया है कि कब जो है तारीखों की घोषणा होती है और उसके बाद से जो है बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर जो है सुगबुगाहट तेज हो जाएगी। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।